फराह खान के डायरेक्शन में बनी ओम शांति ओम सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में कदम रखा था। ये फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फराह खान तीनों के करियर के लिए बहुत ही फायदेमंद रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म में जहां शाहरुख खान लीड रोल में नजर आए थे, वहीं विलेन के किरदार के लिए एक्टर ढूंढने में सभी को खूब पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल ओम शांति ओम में अर्जुन रामपाल ने विलेन का किरदार निभाया था। एक इंटरव्यू में फराह खान ने बताया कि कैसे शाहरुख खान ने उन्हें अर्जुन रामपाल को कास्ट करने में मदद की थी। शिमारू को दिए पुराने इंटरव्यू में फराह खान ने बताया कि अर्जुन रामपाल को मुकेश मेहरा के किरदार में कास्ट करना कितना मुश्किल था। वो फिल्म में विलन थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस फैसले को लेने में शाहरुख खान ने उनकी बहुत मदद की। दरअसल कोमल आहाटा से बातचीत में फराह खान ने बताया कि अर्जुन को कास्ट करने का फैसला आखिरी समय पर लिया गया था। शूटिंग शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। फराह परेशान हो गई थी क्योंकि कई लोगों ने इस रोल के लिए मना कर दिया था। वो बोली, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे और सेट 6 जनवरी से शूटिंग के लिए तैयार था। अर्जुन का कास्टिंग सेशन शाहरुख खान की न्यू ईयर पार्टी में बाथरूम में हुआ था। फराह ने आगे कहा, 31 दिसंबर की रात को शाहरुख खान के घर पार्टी में हमने अर्जुन रामपाल को देखा। हम उन्हें खींच कर बाथरूम में ले गए, दरवाजा बंद कर दिया और स्टोरी उन्हें सुनाई। शुरुआत में अर्जुन ने इस रोल के लिए मना कर दिया, लेकिन शाहरुख के कई बार कहने के बाद अर्जुन को दोबारा सोचने का मौका मिला। कॉस्ट्यूम फिटिंग के 2 दिन पहले ही अर्जुन ने इस रोल को करने के लिए हाँ कह दी। बात करें ओम शांति ओम की तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। साथ ही इसकी स्टोरी लाइन को भी बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में मेकर्स ने कई एफर्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से फिल्म फैंस और मेकर्स दोनों को ही बेहद पसंद आई। फिल्मी जगत से जुड़ी इस तरह की और खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।